भीम आर्मी ने बहुत कम समय में गांव से बने एक संगठन ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके कार्यकर्ताओं के संघर्ष के बदौलत ही हो पाया। आज ये जो मकाम मिला है कि आपकी चर्चाएं हैं, इसके लिए भी भीम आर्मी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों को। जरूरी बात यह है कि संघर्ष की शुरुआत तो हो चुकी है, आंदोलन का बिगुल तो फूक चुका है। अब बिहार में कुछ सीटों पे, लगभग 24 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़े थे, 23 पे कुछ सीटों पे अच्छा प्रदर्शन जो है, वहां संगठन से जुड़े हुए जो लोग जिनको टिकट पे लड़ने का मौका दिया गया था पार्टी द्वारा, उन्होंने किया है। कुछ जगह ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी एक सीट पे हम लोग लड़े थे और कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, लेकिन जिस तरह से धनवानों से मुकाबला है, गरीबों की पार्टी आपकी है, तरह तरह के जो हैं षड्यंत्र किए जाते हैं, और उपचुनाव जो है, जहां उपचुनाव होते हैं मोस्टली वो सरकार ही लड़ती है, सरकारी उसमें जो है सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करती है। बिहार में जो हुआ आपने खुद देखा किस तरह सरकार ने सरकारी तंत्र का यूज किया। उत्तर प्रदेश की बात अगर मैं करूं, उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं के संघर्ष के बदौलत आजाद समाज पार्टी, काशीराम जी जो नाम है पार्टी का, उसे एक पहचान मिली है उत्तर प्रदेश के अंदर। हम लोग एक सीट पिछले चुनाव लड़े थे कि हम ट्रायल करके देखना चाहते हैं कि जनता के बीच जो काम किया है और जनता जिस तरह का विश्वास दिखाया है वो वोट में कितना तब्दील होता है और कितना वोट जो हमें मिलता है। बाकी सीटों पे और लोग भी लड़े थे, लेकिन आपने देखा कि रिजल्ट का परिणाम तो जुगा तू है। इसका मतलब वो सभी लोग मिलकर जो है, जो सत्ता में बैठी पार्टी है उसको नहीं रोक सकते हैं, मगर 15 मार्च को पार्टी का रजिस्ट्रेशन होना दिया गया, पार्टी का नाम रखा गया, 6-7 महीने का लॉकडाउन देखा गया, 14 अक्टूबर को आपकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ, आपको नाम मिला, पहला नॉमिनेशन आपका बुलंदशहर में हुआ, हाजी यामीन जी जो प्रत्याशी थे बहुत ईमानदार संघर्षशील प्रत्याशी हमारे, उसके बाद चुनाव चिन्ह जो बहुत महत्वपूर्ण होता है वो 20 से 22 तारीख को मिला, और 10 दिन का चुनाव जो है ईमानदारी से जो कार्यकर्ताओं की टीम वहां लगाई गई थी उन्होंने लड़ा, और गांव-गांव जाकर अपने नीतियों को, अपनी विचारधारा को लोगों के बीच पहुंचाने का काम किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि युवाओं का संघर्ष, हमारे बुलंदशहर की महान जनता का आशीर्वाद, 13,530 लगभग वोट आपको मिले। ये संतुष्टि वाला वोट नहीं है, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। मैं तो तीसरे नंबर पे नहीं चाहता हूं पार्टी को, मैं तो पहले नंबर पे चाहता हूं, और मैं सत्ता की चाबी जो है भोजनों के हाथ में चाहता हूं, क्योंकि जब बाबा साहब कहते थे पॉलिटिक्स द मास्टर की, जब सत्ता की चाबी आपके पास होगी तो जो दुख आप लोगों को है, तमाम तरह से जो उत्पीड़न आपके होते हैं, अत्याचार आपके साथ होता है, तमाम तरह से आपके अधिकार छीने जाते हैं, जिस तरह का न्याय से लेके भेदभाव आपके साथ होता है तमाम चीजों में, रोजगार आपको नहीं है, अच्छी एजुकेशन आपको नहीं दी जा रही, अच्छे मेडिकल की फैसिलिटी आपके पास नहीं है, जमीनें आपके पास नहीं है, बिजनेस आपके पास नहीं है, ये जो सारी चीजें जिनको, जिनके लिए एक दैनिक जीवन में आप लोग परेशान रहते हैं, करोड़ों की संख्या में भारत यूपी के अंदर नौजवान है जो बेरोजगार, अगर सत्ता ईमानदारी से अपना काम करे तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, नहीं लेकिन वो नहीं मिलता है, तो क्योंकि एक बड़ा वर्ग जो है बहुजन समाज का और सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा यही है, तो ये जिम्मेदारी हमारी बनती है कि उनकी जो आवश्यकता उन पर काम किया जाए, उसके लिए सत्ता में आना बहुत जरूरी है, बिना सत्ता में आए आप ये काम नहीं कर सकते। सत्ता तो और लोगों की भी है, लेकिन क्या वो रोजगार दे रहे हैं, क्या वो आपको न्याय दे रहे हैं,
तमाम घटनाएं आपके ऊपर, आपके पास उदाहरण है। क्या वो आपको अच्छे हॉस्पिटल दे रहे हैं? क्या वो आपकी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर रहे हैं? यहां तो जमीनें कब्जा हो जाए, तमाम तरह की मुसीबतें हैं। तो इसलिए आपको सत्ता में आना पड़ेगा, जरूरी। और आपने बहुत मेहनत की, ट्रायल था, अब प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी, कार्यक्रम बनेंगे, कार्यकर्ता उन पर काम करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 6 महीने में आजाद समाज पार्टी काशीराम जो है उत्तर प्रदेश का सबसे मजबूत वो दल बनेगा, जिसके पास सबसे ज्यादा कैडर होगा। और आने वाले कल में आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी जो है राजनीतिक रूप से बनकर उभरेगी। और ये मेरा घमंड नहीं है, मेरा भरोसा है, जो आजाद समाज पार्टी और बीमारे कार्यकर्ताओं ने एक 10 दिन के संघर्ष में जो है तैयार किया है। देखिए, मैं एक बात आपसे शेयर कर रहा हूं, आपने मुझ पे विश्वास दिखाया, आजाद समाज पार्टी पे विश्वास दिखाया, इसके लिए तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं अपने सभी कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से। वो फॉर्मूला याद है ना आपका, मैंने बहुत बार आपको पढ़ा है कैडर में, N into D into S। याद है या भूल गए मैं आपको दोहरा देता हूं, N फॉर नीड, D फॉर डिजायर, S फॉर स्ट्रेंथ। जरूरत है, क्योंकि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, जिस तरह से आपके अधिकार के खिलाफ फैसले आ रहे हैं, तो आपको सत्ता में आने की जरूरत है। और ज्यादा जरूरत तो नहीं होती है, जो ज्यादा दबा कुचला समाज होता है, जिनके साथ ज्यादा समस्याएं होती हैं। तो जरूरत के साथ डिजायर, चाहत, हम इस देश में बहुजन समाज के लोग गुलामी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम लोग पैदा हुए हैं राज करने के लिए। और राज तब होगा जब सत्ता आपके हाथ में होगी, तभी आप अच्छी नीतियां बना के देश को और प्रदेश को मजबूत बना पाएंगे। धीरे धीरे सारी चीजें कैडर के माध्यम से, मैं उत्तर प्रदेश का दौरा करूंगा, सारी चीजें आप तक पहुंचाऊंगा, एक एक जिले में जाऊंगा, विधानसभा में जाऊंगा। समय बड़ा कम है, 1 साल का समय है, लेकिन तैयारी बहुत मजबूती से करनी है। तो चाहत पैदा करनी पड़ेगी, जिनके अंदर चाहत होती है। तो काशीराम साहब कहते थे कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, और तमन्ना झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। तो अगर आपकी चाहत सच्ची है, पक्की है, आप इस गुलामी की जिंदगी से मुक्ति चाहते हैं, आप अपने लोगों के लिए अधिकार चाहते हैं, आप अपने लोगों के लिए सुरक्षा चाहते हैं, आप अपने लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कानून व्यवस्था सही करना चाहते हैं, जिस कानून व्यवस्था के खामियों के कारण रोज हत्याएं होती हैं, बलात्कार होता है, रोज अपमान होता है, अगर उसे आप सही करना चाहते हैं तो चाहत पैदा करनी पड़ेगी। और इन दोनों की ताकत से स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति का निर्माण होगा। और लोकतंत्र में शक्ति उसी की होती है जिसकी शक्ति उसी के पास होती है जिसके पास सरकार होती है। मेरे हाथ में तो कलम की ताकत नहीं है कि मैं आपके जीवन में कुछ तब्दीली कर सकूं। अभी तक तो सड़क पर संघर्ष कर रहे थे, आपके अधिकार जब सरकार छीन लेती थी या कोर्ट द्वारा छीन ले जाते थे या अपराधियों द्वारा आपके अधिकार, आपकी हत्या कर दी जाती थी, तो हम लोग सड़क पर संघर्ष करते न्याय दिलाने के लिए। लेकिन हाँ, अगर सत्ता आपके पास होगी तो ना तो जुल्म जाती होगी और ना ही आपको किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा, आप देने वाला समाज बन जाएंगे। तो इस संघर्ष ने इतना हौसला तो बढ़ा दिया है कि आने वाले कल में इस 13,500 को 1,30,000 के करीब जो है लेके जाना है और उसके लिए संघर्ष शुरू करना है। जो हौसला बुलंदशहर से बुलंद हुआ है वो पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगा और पूरे देश में जाएगा। मैं आभार प्रकट करता हूं बुलंदशहर की महान जनता का और अपने सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों का, बिहार के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों का। हमें वोट भले ही कम मिले हों लेकिन जनता ने हमें विश्वास तो दिलाया है। लोकतंत्र में तो एक व्यक्ति का विश्वास ही बहुत होता है। हमें तो कुछ सीटों पर महाराजगंज में जैसे हमारे प्रत्याशी थे एजाज भाई, उनको 8,000 के लगभग वोट मिला। तो कहीं जनता ने कम भरोसा दिखाया, कहीं ज्यादा भरोसा दिखाया। इस जनता के भरोसे को
जनता के बीच में रह के और मजबूत करेंगे और आने वाले कल में इस रिजल्ट को और आगे बढ़ाएंगे, अच्छा रिजल्ट बनाएंगे। जैसा मैंने कहा कि संतुष्टि तो तभी होगी जब ये इस देश में बहुजन समाज का राज आएगा, और जैसा बाबा साहब ने कहा था कि जैसा माननीय काशीराम साहब ने कहा था कि बहुजन समाज के बच्चों के बिना जो है बाबा साहब के बच्चों के बिना इस देश का शासन नहीं चलने दूंगा, उनका वो सपना अधूरा है। मैं आपसे ये संकल्प लेता हूं आपके इस प्यार आशीर्वाद के बदौलत कि जब तक बाबा साहब और माननीय काशीराम साहब का सपना बहुजन समाज के शासक बनाने का सपना था, दिल्ली की गद्दी पे बहुजन समाज का झंडा फहराने का जो सपना जब तक पूरा नहीं होगा, तब तक मैं आज के बाद चैन से नहीं बैठूंगा। लगातार संघर्ष तो पहले भी कर रहा था लेकिन आज अब से और मजबूत संघर्ष करूंगा। गांव गांव जाऊंगा, अपने लोगों को जगाऊंगा, तैयार करूंगा, ना बिकने वाला समाज और ना बिकने वाले नेता तैयार करेंगे आप सब लोगों के सहयोग से। और आजाद समाज पार्टी को प्रदेश की और देश की सबसे बड़ी पार्टी बनाने के लिए संकल्प की भावना से काम करेंगे, अपने संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। जिन लोगों ने अभी हम पे भरोसा नहीं किया है उनको हमारे ऊपर थोड़ी शंका हो सकती थी हमारे इस चुनाव के ऊपर, उन लोगों को भरोसा और दिलाएंगे। तो आपने इतना भरोसा कि इतना प्यार दिया, उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। लेकिन कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि बैठना नहीं है, रुकना नहीं है, अपने लक्ष्य की तरफ देखिए। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य इस प्रदेश में और देश में बहुजन समाज को सत्ता में स्थापित करना है। ये तो ट्रायल था, बहुत कुछ सीखने को मिला, विश्वास कीजिए बहुत कुछ ही सीखने को मिला है। अब ठोस तरीके से काम किया जाएगा, कैडर का निर्माण होगा, कैडर कराए जाएंगे और माननीय काशीराम साहब के दिखाए रास्ते पे जो है चलकर, जो रास्ता उनका दोनों जो रास्ता बताया था संघर्ष का रास्ता, उस रास्ते पे चल के राजनीतिक रूप से आजाद समाज पार्टी को जैसे पहचान भीम आर्मी को, क्योंकि भीम आर्मी के लोगों की संघर्ष करने की क्षमता बहुत है, स्पीड बहुत है नौजवानों में, जिस तरह से उन्होंने भीम आर्मी को 5 साल में देश और दुनिया में पहचान दिलाई, ऐसे आजाद समाज पार्टी को भी आने वाले समय में, क्योंकि स्पीड ज्यादा है, जल्द ये पहचान दिलाएं। काशीराम साहब तो कहते थे कि पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए और तीसरा जीतने के लिए, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि दूसरे चुनाव में ही काशीराम साहब का जो तीसरा नारा था कि तीसरा चुनाव जीतने के लिए, उसको दूसरे चुनाव में ही सफल करके दिखाएंगे। अगर संयोग से सफलता मिल जाती तो शायद संघर्ष की कीमत को शायद हम भी थोड़ा सा कमजोर आंक लेते, संघर्ष कम करते, लेकिन इस वोट ने संघर्ष की ताकत को और मजबूत किया है, हौसले बुलंद किए और मजा आएगा लड़ने का। आप लोगों के बीच रहेंगे आने वाले कल में, हिम्मत नहीं हारेंगे, जिस तरह से पहले संघर्ष कर रहे थे आगे भी संघर्ष करेंगे। इस प्यार और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद, आभार, आप सभी का मंगल हो।